नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों आज है 23 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 23 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजीव कुमार। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। दोस्तों आइए चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन के लिए उत्तरदायी निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियां कार्य कार्यकाल पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरल। हाल ही में देखा गया है कि केरल में नमथ बसई कार्यक्रम आदिवासी बच्चों को स्कूल वापस लाने में सफल रहा है। यह केरल सरकार द्वारा आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने का कार्यक्रम है। यह समग्र शिक्षा केरल द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम है जिसके तहत सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आया है केरल राज्य। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं पी सत्यशिवम तथा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोटायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए छात्रों स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है कि वे शक्ति और बेगा नाम से दो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और बेगा को IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल से भारत में नवाचार स्टार्टअप्स और अनुसंधान के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 22 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के बढ़ते मामलों के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है
जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की सबसे गंभीर अभिव्यक्तियां जैसे मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और यहां तक कि नरसंहार शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में धर्म या विश्वास के आधार पर बड़े पैमाने पर सीरिया, इराक, म्यांमार, नाइजीरिया और चीन में अत्याचार के कई मामले देखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियर सूट औसत तारा विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियर सूट औसत तारा विकसित किया है। इस रोगाणुरोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोवायरल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इस सूट ने स्पेशल प्रतिरोधी परीक्षणों को पार कर लिया है, जो विनियमन निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और इसमें किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है। उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है, जिसका नाम पवित्रापति है, जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, जो भी अभी तक जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को नहीं देखे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से जाके जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगठित राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश ऐसा निर्णय लेने वाला पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय के बाद राज्य के युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA मेरिट के आधार पर निर्धारित श्रेणियों में राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है। प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंघा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नामक एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यस बैंक। यस बैंक ने प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नामक एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है। डिजिटल समाधान ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। दोस्तों, यहाँ पे आया है यस बैंक। यस बैंक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व वित्त अधिकारी प्रशांत कुमार को इसका नया CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरित पथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकसित किया है। NHAI ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान हरित भारत संकल्प भी शुरू किया था, जिसके तहत उसने 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधों को पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर लगाया था। दोस्तों, यहाँ पे आया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। यह सड़क परिवहन और मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख रखाव है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगी। दोस्तों, यहाँ पे आया है इजराइल देश। इजराइल देश की राजधानी है यरूशलम। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की मुद्रा है इजरायली नई सेकेल। दोस्तों, यहाँ पे आया है उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रानी ओसुलिवान। रानी ओसुलिवान ने किरण विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। इन्होंने सेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। दोस्तों, यहाँ पे आया है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इंग्लैंड के सेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में 31 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक हुआ था। यह लगातार 44वां वर्ष था जब वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप क्रूसिबल में आयोजित की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैमरन व्हाइट। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन व्हाइट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच खेला है। कैमरन व्हाइट 37 वर्ष की उम्र में संन्यास लिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्टाक मॉरिसन। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।
जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस करंट अफेयर्स की सीरीज का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।